नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक और ऐसी दिव्य औषधि के बारे में जिसको उगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे किसान भाई इसको उगाते हैं और मार्केट में बेच करके काफ़ी मुनाफा पाते हैं। दोस्तों ये पौधा है, ये देखिएगा, ये पौधा है मूँगफली का। जी हाँ दोस्तों, मूँगफली वैसे आप खाते भी होंगे, आपने मूँगफली को देखा भी होगा, पहचानते भी होंगे, लेकिन इसके फ़ायदे नहीं जानते होंगे। आज दोस्तों मैं मूंगफली के फ़ायदे बताऊंगा। खाने से पहले आप मूंगफली के फ़ायदे जानेंगे तो मूंगफली को आप छोड़ेंगे नहीं, खाते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये है मूंगफली का पौधा, ये देखिएगा। और इसके नीचे जो जड़ें होती हैं, जड़ों में ही मूंगफली पाई जाती है। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है मूँगफली। अब दोस्तों इसका प्रयोग कैसे करते हैं आप, कैसे फ़ायदा होगा, तो दोस्तों देखिएगा, पहली बात तो इसको कच्चा और भून करके भी खाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कच्चा भी खा सकते हैं, भून कर भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। कोई कोई इसको उबाल कर भी खाता है। तो दोस्तों मूंगफली का खाने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा, पहली बात तो दिल की बीमारियों के लिए ये बहुत अच्छी दवा है। जी हाँ दोस्तों, जिनको दिल की बीमारी है, अगर दिल की बीमारी है तो सभी तेल दिल की बीमारी में नुकसान कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मूंगफली का तेल दिल की बीमारी को नुकसान नहीं करता। क्योंकि दोस्तों दिल की बीमारी कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है, वसा चर्बी चढ़ जाती है और कोलेस्ट्रॉल के कारण धमनियों में अवरोध हो जाता है, जिस कारण से इंजामिना पेन, हार्ट अटैक की समस्या होती है। तो दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए आप मूंगफली के बीजों का तेल निकलवा करके तेल का सेवन करें तो दिल की बीमारी दूर होगी और दिल की बीमारियों से ये मूँगफली हमारी रक्षा करेगा। इसका पहला फ़ायदा ये होगा। अब दोस्तों दूसरा फ़ायदा मैं बता देता हूँ, जिसको दोस्तों अधिकतर श्वास की शिकायत रहती है, या दोस्तों मैं कह दूँ कि खांसी चलती है उस समय, जिस समय खांसी चलती हो, सूखी खांसी चलती है, तब बहुत बेहतरीन काम करता है इस मूंगफली का काढ़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको मूंगफली की जड़ों को इकट्ठा करना है। ये मूँगफली तोड़ने के बाद जो मूँगफली में ये छोटी छोटी जड़ें होती हैं ना, ये वाली, ये तो मूँगफली की जड़ों को आप इकट्ठा कर लें और मूँगफली की जड़ों का काढ़ा अगर शहद मिला करके सेवन करते हैं, मान लीजिए 4 चम्मच इसका काढ़ा ले लें और 1 चम्मच शहद डाल करके पीते हैं, सूखी खांसी जो कोकर खांसी बोलते हैं उसमें, ये बहुत ही पेटेंट दवा है दोस्तों। साथ ही साथ ये मूंगफली का काढ़ा, इसके मूंगफली तो सब कोई प्रयोग कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर का आइटम फेंक देता है, ये जो ऊपर का भाग ये पत्तियाँ हैं इसको फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों मूंगफली का काढ़ा यानी पत्तियों को ले लें और नीम की पत्तियाँ, अपामार्ग यानी कि ओंगा की पत्तियाँ लेकर के और आप काढ़ा बनाएं, तैयार करें और पी जाएं, तो बरसों पुराना ज्वर जो होता है उससे शांत हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ज्वर को ख़त्म करने के लिए मूंगफली का काढ़ा बहुत ही अद्भुत है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कमज़ोर शरीर को हष्ट पुष्ट और ताकतवर बनाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, या जो हमारे भाई जिम जाते हैं और जिम जाने के बाद जो प्रोटीन के लिए कोई अच्छा हेल्थ प्रोडक्ट खोज रहे हैं प्रोटीन, क्योंकि जिम जाएंगे तो उनको एनर्जी प्रोटीन भरपूर होना चाहिए, तो उसके लिए 4-5 दिव्य जड़ी बूटियां हैं। जैसे कि आपको लेना है काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट और कद्दू के बीज तथा ये मूंगफली के बीज, इनको ले लें समान मात्रा में। और दोस्तों फिर आप अगर रोज़ाना डाइट में अपने सुबह सुबह नाश्ते के रूप में इनका प्रयोग करते हैं या फिर ऐसे ही अगर प्रयोग करते बहुत ही ज़बरदस्त होता है दोस्तों। बादाम जो होता है ना, बादाम, इनको मूंगफलों को गरीबों का बादाम कहा गया है, क्योंकि बादाम से भी ज़्यादा, जहाँ दोस्तों बादाम से भी ज़्यादा इस मूंगफली में गुड़ पाए जाते हैं। अब दोस्तों बादाम कोई गरीब आदमी तो खा नहीं सकता, इसलिए मूंगफली को ही गरीबों का बादाम कहा गया है और इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग करें तो दोस्तों ये बादाम जैसा पावरफुल शक्तिवर्धक होता है। लगातार प्रयोग करने से दुबले पतले आदमी भी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं और शरीर में सप्त धातुओं की वृद्धि होती है, बहुत ही पावरफुल है ये मूंगफली। दोस्तों बस याद ये रखना है कि कच्ची मूंगफली खाएंगे तो खाने के तुरंत ही बाद पानी ना पिएं, क्योंकि कच्ची मूंगफली खाने से कफवर्धक होती है और पानी पीने से जुखाम हो जाता है दोस्तों। और बाकी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, अगर गुड़ के साथ इन मूंगफलियों की पपड़ी बना करके खाते हैं। ये बीजा देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ, इन बीजों का बहुत ही मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है, पपड़ी बना के खाते हैं, कोई कोई कुछ अपने अपने चॉइस के हिसाब से खाते हैं।
तो दोस्तों ये शरीर में गर्मी पैदा करता है, गर्मी, जो ज़्यादा शीत प्रकृति के रोगी हैं वे गुड़ के साथ खाएं इसको, बड़ा ही बेस्ट होता है। गुड़ के साथ खाने से ये नुकसान भी नहीं करती बल्कि फ़ायदा करती है। ये देखिए ये मूँगफली है, ये सूख गई है, अब ये देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।